श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़े केंद्रीय अपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ ने आम और अमरूद की खास वैरायटी विकसित की है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे भारत कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में फसलों की 109 उच्च उपज वाली जलवायु लचीली और बायो फोर्टिफाइड किस्में जारी करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी करेंगे। लंबे इंतजार के बाद आज यानी 11 अगस्त को नीट पीजी परीक्षा आयोजित की जाएगी। बता दें कि कुछ स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी परीक्षा डेट को स्थगित करने की याचिका दायर की थी, जिसे रद्द कर दिया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 अब अपने समापन की तरफ बढ़ रहा है। इस ओलंपिक में भारत ने अब तक 5 मेडल जीते, जिसमें 4 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल शामिल है। वहीं ओलंपिक 2024 की क्लोजिंग सेरेमनी आज आयोजित की जाएगी। झारखंड में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होगी। इसको लेकर 10,000 तिरंगे बांटे जाएंगे। आजादी का जश्न मनाने और राष्ट्रवाद की अलग जगाने को लेकर 11 से 14 अगस्त तक पूरे शहर में तिरंगा झंडा लगाए जाएंगे। राजस्थान में दूध की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होंगी। राजस्थान में सरस ब्रांड का दूध 2 रुपए लीटर महंगा हो गया है। जयपुर डेयरी ने सरस दूध के दामों में इजाफा करने का ऐलान किया है। रेलवे ने रखरखाव और मेंटेनेंस के लिए आज मेगा ब्लॉक की घोषणा की है। इस दौरान मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए सेंट्रल लाइन पर मुलुंड और माटुंगा के बीच और हार्बर लाइन के CSMT बांद्रा चूनाभट्टी के बीच मेगा ब्लॉक रहेगा। बिहार में जनता दल यूनाइटेड लखीसराय पार्टी संगठन की मजबूती के लिए आज सुबह 11 बजे जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में एक कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई है। पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को इस बैठक में उपस्थित होने का आमंत्रण दिया गया है। गिरिडीह में प्रदूषण से त्रस्त कई गाँव के ग्रामीणों ने एक बार फिर स्पंज आयरन कारखाना बालमुकुंद अतिवीर वेंकटेश्वर और निरंजन मेटालिक का आज अनिश्चितकालीन गेट जाम करने का निर्णय लिया है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है और कल उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में गरज चमक के साथ भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 1908 में क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। आज ही के दिन सन 1948 में लंदन में समर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन सन 1954 में भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1967 में हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार नंद दुलारे वाजपेयी का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 2020 में सुप्रसिद्ध शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।